पर प्रवचनों पर अपने को जोड़ते हुए निवेदन करना चाहते हैं, कम से कम चार बच्चे पैदा करो। अब इन बेईमानों को संतोष नहीं हुआ, एक और नारा दिया, हम दो और हमारा, बोलो ना, दिया कि नहीं दिया है? लड़की से लड़की की शादी, लड़के से लड़की की शादी, पिछली सरकार हो गई नहीं बुद्धि खराब। उन्नाव से सांसद साक्षी महाराज अब मोदी सरकार के लिए सिरदर्द साबित हो रहे हैं। उनके ताजा बयान के बाद विरोधी फिर सरकार पर हमलावर हो गए। पूछा, क्या सरकार जनसंख्या नीति में बदलाव करेगी? आखिर ऐसे नेताओं पर पीएम लगाम क्यों नहीं लगाते? भारत की जनसंख्या नीति क्या ये है? क्या इस प्रकार के सांप्रदायिक वक्तव्यों पर भी चुप्पी साधे रहेंगे माननीय प्रधानमंत्री? ये सीधा प्रश्न है, ये आवश्यक प्रश्न है, ये देश का प्रश्न है। ये मौजूदा सरकार ऐसे ही लोगों को तरजीह देती है, ऐसे ही लोगों को प्रमोट करती है, ऐसे ही लोगों को पसंद करती है। बीजेपी के जितने भी लीडर्स हैं वो खासकर उत्तर प्रदेश में इस तरह के बयान दे रहे हैं जिससे कि वहां का सौहार्द बिगड़े। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी तो एक कदम आगे बढ़ गए, कहा कि भारत पहले से हिंदू राष्ट्र है, इसे हिंदू राष्ट्र बनाने की जरूरत क्या है? ये हिंदू नेशन है ही, एक जमाने में 100% हिंदू थे तो हिंदू नेशन ही था, और ये बाहर से आए, इन्होंने आक्रमण किया, जिन लोगों को जबरदस्ती इन्होंने धर्म परिवर्तन कराया और मुसलमान बनाया। साक्षी महाराज ने मीडिया पर भी तंज कसा, कहा कि हम कुछ भी बोलते हैं उसे खबर बना दिया जाता है। हम पत्रकार बंधुओं से कहेंगे पता नहीं क्या हो गया हमारे पत्रकार बंधु, हम कुछ भी बोलने तो तुरंत ही विवाद, और साक्षी जी ने ऐसा बोल दिया, प्राची जी ने ऐसा बोल दिया। स्थिति जी ये है, हम आहा भी भरे तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी करें तो चर्चा नहीं होती। इससे पहले साक्षी महाराज ने नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताया था, जिस पर जमकर बवाल हुआ था।